और 1930 से पहले यह वर्ल्ड हाईएस्ट बिल्डिंग था। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ, आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ एक वर्ल्ड टूर पे। पेरिस में आपको, इजिप्ट में आपको आगरा के ताजमहल, और आपको पेरी, और आपको बहुत से ऐसे वर्ल्ड 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में आपको लेके जाने वाला हूँ। तो आप लोग ये वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो जो लोग अपने न्यू चैनल में न्यू है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। तो गाइस थैंक्स आप लोगों का प्यार, इतना मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए थैंक्स अ लॉट। तो गाइस आप लोगों के लिए फिर से आज भाई ने एक अच्छी वाली जगह पे लेके चलते हैं, वहाँ पे पूरे का पूरा वर्ल्ड टूर आपको कराएंगे। तो गाइस स्किप मत करना, देखते रहना। तो पता नहीं गाइस आज तो आ ही नहीं रहे मेट्रो, क्या हो गया दोस्तों, एकदम आ जाते हैं, आज तो आ ही नहीं रहा, वेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से बाहर आ चुका हूँ गाइस, ये देखो हज़रत निज़ामुद्दीन। तो यहाँ से आपको अगर थीम पार्क जाना है तो यहाँ पे आना, आपको पिंक लाइन है, यहाँ से लेफ्ट, शायद लेफ्ट जाना है तुमको, अपने को लेफ्ट जाना है, यहाँ से चलते हैं गाइस। मेट्रो से बाहर आते हैं गाइस, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वगैरह नहीं लेना है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है, अब वॉक करके भी आ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे पीछे ऑटो वाले मिलेंगे आपको, ऑटो नहीं लेना है आपको। यहाँ देखो, अभी यहाँ से शायद एक रोड बन रही है मेरे ख्याल से। देखो सबसे पहले उधर से क्या नजर आ रहा है आपको, पेरिस का एफिल टावर। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको, तो बाहर निकलते आप लोगों को ऑटो वाले बोलेंगे, ऑटो ऑटो वॉकिंग, तो आपको ऑटो नहीं लेना है, वॉक करके आना है। पेरिस एफिल टावर अंदर जाते हैं, पूरा होगा गाइस, पूरा वीडियो पे बने रहना, मस्त मस्त वीडियो आने वाले, मस्त मस्त पूरा देखेगा आप लोगों को, स्किप मत करना। जो लोग भी अपने चैनल में न्यू आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस अब तक क्यों बैठे हो, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू मेरे सभी यूट्यूबर, मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को, आप लोगों को थैंक्स अ लॉट गाइस। लाइन है गाइस यहाँ पे, पता नहीं क्या कर आगे वाले। यहाँ पे टिकट का कुछ डिटेल है गाइस, टिकट का डिटेल देख सकते हो आप। हेलो सर, एक थैंक यू। तो ये मिल गया 22, हाँ तो उसको इधर कहीं चेक कराना होगा। ये देखो वंडर ऑफ एनएच, थैंक यू। तो गाइस एंटर हो चुका हूँ मैं यहाँ पे, तो गाइस कुछ इस तरह का है। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस अंदर, यहाँ से देखते हैं गाइस क्या क्या मिलता है देखने को। कुछ एंट्री है का पार्क है गाइस, अंदर आते ही फुटपाथ जैसा बना हुआ है, तो एंट्रेंस होते ही यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ से हम जैसे एंट्रेंस होते हैं, हम पहुँच गए इजिप्ट में गाइस, ये देखो गाइस ये पिरामिड। नेक्स्ट डेस्टिनेशन
अभी हम इजिप्ट में गए थे, उसके बाद हम पहुंच गए। ये देखो गैस, गैस करो कहाँ पहुंचे हम। तो गैस ये देख रहे हो आप, ठीक है तो गैस जो पीछे देख रहे हो आप, ये लेनिन टावर कहते हैं, ये झुका होता है थोड़ा सा। ये है पीसा में, जो कि इटली में यूरोप का सबसे ब्यूटीफुल कंट्री माना जाता है। तो गैस इसके इसको बनाया था 1173 में, और इसको बनते बनते लगभग 200 साल लगा, क्योंकि उस बीच में बहुत सारा वार होता था, उसके कारण ये कम्प्लीट नहीं हो पाया। तो इसको लगभग 200 साल लगा इसको कंप्लीट होने में। तो वैसे ये लगभग उसकी ऊंचाई 60 मीटर है, और ये 12th सेंचुरी में इसके झुकना स्टार्ट हुआ था, मतलब ये ऐसे लाइनिंग होना शुरू हो गया था। लेकिन 14th सेंचुरी में इसके जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसको जो झुक रहा था उसको बंद कर दिया था। तो वैसे ये इसके अभी यहाँ पे जो बना हुआ है, ये यहाँ पे जितने भी कबाड़ी होता है ना, जो गैस कबाड़ी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कबाड़ी से बना हुआ है, मतलब कबाड़ से जुगाड़ जिसे कहते हैं, उसी से बना हुआ है यहाँ पे पूरा थीम पार्क। जो पिछले वाला जो वो था अपना इजिप्ट का पिरामिड था, वो भी उसी चीज़ से बना हुआ है। तो सब कुछ सब मतलब एक होता ना कबाड़ वाला, कबाड़ी चीज़ से बना हुआ है। तो इससे पहले इसके बाद हम राइट साइड में जैसे जाएंगे, वहाँ पर आपको पैरिस भी मिल जाएंगे। अभी हम हैं कहाँ पर, पिसा में, इटली में। अभी हम अब हम जाएंगे पेरिस में। तो अभी हम जा रहे हैं इस पेरिस में। ये लैंड हो गया पेरिस के एयरपोर्ट में, और ये पहुंच गए हम पेरिस में, पेरिस एफिल टावर, सब लोग जानते होंगे इसको। तो गाइस ये एफिल टावर है जो पेरिस में है, इसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे देकर देखने के लिए जाने वाला मोनूमेंट से एक है। इसको ये 1887 से लेकर 1889 तक इसकी कंस्ट्रक्शन चली, और 1930 से पहले ये वर्ल्ड हाईएस्ट बिल्डिंग था। 1930 के बाद तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उससे पहले हाईएस्ट बिल्डिंग माना जाता था इसको। और इसकी हाइट 320.73 मीटर है। फॉर्म उसके एंटेना को मिला के और एक बात है, पेरिस को एफिल टावर को देखने के लिए साल में 7 मिलियन, एक ही साल में 7 मिलियन आदमी इसको देखने के लिए आते हैं, जाते हैं। तो आज हम पहुंच गए उधर फ्री में। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट, पता नहीं क्या होगा। ये देखो गाइस इतना मस्त है, आप लोग इधर देखने के लिए आ सकते हो। दिल्ली में आ रहे हो तो निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है, उसके पास पड़ता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये क्या चीज़ है गाइस, सब लोग को पता हो तो कमेंट करो जल्दी से। गाइस इसे कहते हैं कोलोसियम, कोलोसियम है, ये भी इटली में है, इटली के रोम में है। फिलहाल ये जो बना हुआ कार के पार्ट्स और ट्रक के पार्ट्स से बना हुआ है। ये देखो गाइस इसे कहते हैं कोलोसियम। कितनी मस्त, और इसकी हिस्ट्री अब लोगों को बताऊं तो गाइस ये जो इसे कोलोसियम कहते हैं, जो कि इटली में एक जगह है रोम करके, जो इटली के बिल्कुल सेंटर में एक सिटी है रोम, उस उधर है ये कोलोसियम। और एक ओपन थिएटर है जिसको 1780 में एम्पायर वेस्पासियन ने बनाना स्टार्ट किया था, और इसको कंप्लीट किया था 18th सेंचुरी में, उसके बेटे ने कंप्लीट किया था, जिसका नाम टीटूस था। और इसकी कैपेसिटी गाइस लगभग
65,000 ऑडियंस एक साथ वहाँ पे बैठ सकता है, इसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है। तो गाइस कुछ इस तरह का है ये। टेरेस तो पास में ही है, वो देख रहे टेरेस का टावर। यहाँ पे क्या है आप? ओहो ताजमहल, ऐसे ताजमहल। आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है हमें इधर ही। हाँ हाँ तो चलते हैं। तो ये आगरा का ताजमहल था गाइस। तो क्या है क्या है क्या है? ओए ठंडा ये देखो गाइस, अभी हम कहाँ पहुँचे? ये देखो गाइस, ये रॉय डिजोमल, ये है गाइस ब्राज़ील में, ब्राज़ील में। तो गाइस इस स्टैचू का नाम है रियो रिडीमर, रियो रिडीमर है, जो कि ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है, का नाम है कोर्कोवाडोर, एक माउंट है वहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कैथोलिक पेरेशनर्स का सबसे एक इम्पोर्टेंट स्टैचू है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1927 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1937 में। और इसकी लंबाई लगभग 124 मीटर है और चौड़ाई इसकी लगभग 92 मीटर है गाइस। होंगे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और अपना भाई यहाँ से जा रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये था गाइस इसकी हिस्ट्री, तो थोड़ा आप इसको भी देख लो। ब्राज़ील जाने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस। देखो ये बात गाइस, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, कहाँ पहुँचे देखते हैं। और वॉकिंग करना होगा हमें नेक्स्ट कंट्री के लिए, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पहुँच गया। और तेरी ये देखो गाइस कहाँ पहुँच, तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये है न्यूयॉर्क में गाइस। ओहो गाइस देखो, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ पे देखने के बाद, आगे देखते हैं क्या है। ओहो शेर, शेर देखो गाइस, शेर दिखाई दे रहा आप लोगों को इधर, ये देखो देखिए। या तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो। हाँ देखो गाइस, यहाँ पे है पानी। हम कैफे में देखते क्या लूँ अभी, खा लेते हाफ हाफ। कितने का लगा इधर पेटीन? कश्मीरी दम बिरयानी वेज 147। ओके इधर कर देता हूँ, इधर पेटीन। तो बस अभी मैंने एक बिरयानी ऑर्डर किया है, उसको खा रहा हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। घूमते घूमते अपन को इधर अपने को रात भी हो गया, शाम भी हो गया, लाइटें जलना शुरू हो गया गाइस। अभी शाम के वक्त तो यहाँ पे और भी प्यारा होगा, लेकिन मुझे जाना है जल्दी। तो बाहर आ चुका हूँ गाइस यहाँ से मैं, तो अभी चलते हैं हम वापस अपने घर की तरफ। और फिर गाइस हम फिर तो वॉकिंग करके जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ऑटो है और मेट्रो है, लगभग 100 मीटर होगा गाइस, 100
200 मीटर होगा गाइस यहाँ से मेट्रो का, तो मेट्रो से जाएंगे तो इस टाइम पे जल्दी पहुँचेंगे, अदरवाइज गाइस बहुत टाइम लगता है, ट्रैफिक होता है यहाँ पे, और ऑटो में तो सुबह शाम ठंड भी लग रहा है गाइस, तो ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे दिल्ली में, सुबह शाम ठंड लगता है, दिन में थोड़ा अच्छा मौसम है गाइस। वो देखे गाइस, देखते रहे, ऑटो वाला इधर रुक गया, पूछेगा अभी। ओ गाइस यहाँ पे कुछ हो गया है, देखो क्या हो गया, क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गया, चलते चलते बस भी रुक गया यहाँ पे, चलते चलते खराब हो गया रोड के बीच में, क्या गाड़ी है यार, क्या गुंडा बनेगा केजरीवाल जी, बस चलते चलते रुक जाता है। ये लो गाइस पहुँच गए, मैं सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था, ये अपना सामने है मेट्रो, सिर्फ 2 मिनट लगा मेरे को, सिर्फ 2 मिनट। ये देखो गाइस पहुँच चुका हूँ मेट्रो में, मैं निज़ामुद्दीन, हजरत निज़ामुद्दीन, हाँ वो निकलता हूँ मैं ऑफकोर्स मेट्रो से, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे जाना है यहाँ पे, इसके ऊपर चढ़ना है ट्रेन के ऊपर, काफ़ी बड़ा है मेट्रो भी, स्टेशन भी ये वाला भी, ये देख लो गाइस सब लोग, तो देखता हूँ मैं अभी यहाँ से मेरे को निकलना है, कौन सा वाला पकड़ना पड़ेगा देखना पड़ेगा मुझे, तो भाई मुझे यहाँ से दिल्ली हाट जाना है, आई एन ए से चेंज करना है, वहाँ से येलो ट्रेन पकड़नी है मेरे को, अभी यहाँ में पिंक वाला है, यहाँ पे पिंक आएंगे, आपको आना है तो यहाँ से येलो, गाइस येलो, तो गाइस यहाँ पे सब लोग लाइन में है। एक और चीज़ यहाँ पे फायदा है, अगर आपके पास एक कार्ड है तो आपको लाइन में खड़े लेने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो आपको वहाँ पे टोकन लेना होगा, इसलिए यहाँ पे आते कार्ड ले लेना डायरेक्ट, क्यों यहाँ पे चेकिंग वगैरह। अभी मैं पहुँच चुका हूँ विधानसभा, ये इसमें आया था ये वाले ट्रेन में, सभा निकलते चिल्लाएगा इतना, हाँ जाना भैया जाना 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 बोलेगा, देखना गाइस अभी यहाँ इसके बाद जेब में डालने का है फ़ोन को, नहीं तो ऑटो के ऊपर से छीन के ले जाता है।